गुड मॉर्निंग एवरी वन आज अपनी करंट अफेयर क्विज की क्लास होगी इस क्लास में जनवरी से मार्च का जो करंट अफेयर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पुट किए जाएंगे टोटल तीन वीडियोज़ आएंगी ये पार्ट वन है वीडियो का और हर एक पार्ट में टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे सो तीन पार्ट के मिला के टोटल थ्री हंड्रेड क्वेश्चन ये हो जाते हैं अब ये कौन से जॉब के लिए बेनिफिशियल होंगे कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेड बी या ग्रेड सी या ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं वो इन करंट अफेयर्स को ज़रूर कवर करके जाए आपको करना क्या है एक कॉपी और पेन ले लीजिए जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आपको उसका आंसर नोट करना है फिर जैसे मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या है आपको मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकोरेक्ट है टोटल हंड्रेड क्वेश्चन है कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर एटी से अबव हो अगर 80 से कम रह जाता है तो कोई बात नहीं आपको रिवीजन की ज़रूरत है ये सिर्फ़ रिवीजन के लिए देखने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की अगर किसी के कम भी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है आप दोबारा से रिविज़न कर सकते हो करंट अफेयर की उसके बाद ये सिर्फ क्विज़ होगा दिवीजन इसका जो पी है एक्सप्लनेशन जो होंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी आपको पीडीएफ डी कहाँ मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी करंट अफेयर के पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे सो so, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है स्टार्ट करते अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपके ऑप्शन ये हैं द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन रुपीज एट लैक पर एनुअल एग्रीकल्चर लैंड शुड बी लेस देन फाइव एकड़ ऑप्शन सी द रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया शुड बी बिलो 500 हंड्रेड स्क्वेयर फीट ऑप्शन डी द रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बी बिलो 100 स्क्वेयर यार्ड इन अ नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी सेक्टर आपको बताना इनमें से कौन सा ई के लिए क्राइटेरिया नहीं है वीडियो को पोस्ट कर लीजिए मैं आंसर बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो होगा रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया शुड बी बिलो फाइव हंड्रेड स्कुअर फिट ये इनकोरैक्ट है एक्चुअल ए वन थाउजेंड फिट आता है ठीक है सो ये स्टेटमेंट अपनी इनकोरैक्ट हो गई सो आंसर नंबर सी क्वेश्चन नंबर सैकंड शारदा एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी नाइन रेजड द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टू फर्स्ट ऑप्शन ट्वेल्व एंड फोर्टीन रिसपेक्टिवली बी ऑप्शन फोर्टीन एंड एटीन रिसपेक्टिवली सप्शन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन रिसपैक्टिवली डी ऑप्शन फोर्टीन एंड नाइनटीन रिस्पेक्टिवली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोर्टीन एंड एटीन रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं मार्क रूट बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आपके ऑप्शन है आयरलैंड स्वीडन साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड इसका राइट right आंसर होगा नीदरलैंड नीदरलैंड के ये दोबारा से इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउ बैंकोंग टो लेक एंड फाइंड कोरेक्ट आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी इट इज अ फ्रेश वाटर लेक स्पेनिंग लद्दाख एंड वेस्ट तिब्बत सेकेंड स्टेटमेंट इज टू थर्ड ऑफ इट्स एरिया इज अंडर चाइनीज कंट्रोल आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कोरेक्ट है सो so आंसर इसका होगा टू ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रोंग है इसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि जो पेंकुंग टो लेक है वो कोई फ्रेश वाटर लेक नहीं है ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है सोल्टी वाटर है फ्रेश वाटर लेक नहीं है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है क्योंकि इंडिया और चाइना का यहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ ओ आपके ऑप्शन हैं अलका मित्तल चित्र रामकृष्ण विनीता सिंह संबित पात्रा इसका राइट आंसर होगा अलका मित्तल ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपके आइलैंड्स हैं कॉम्बर सेशल्स एंड मेडागास्कर इनको आपने नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है आपके ऑप्शन है वन टू थ्री टू थ्री वन टू वन थ्री थ्री टू वन पॉज करके आपको आंसर देना है इसका राइट right आंसर होगा सबसे पहले नॉर्थ में सेशल्स आता है उसके बाद कॉमोरोज आता है एंड देन सबसे साउथ में पड़ेगा मेडागास्कर सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी टू वन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस थ्री ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन माइल स्टोन ये काफी न्यूज में रहा था आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला विप्रो एंड एप्पल इसका राइट आंसर होगा एप्पल ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्दुल्ला हमदोक हु अनाउंसड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली वॉज पी एम ऑफ विच कंट्री अब्दुल्ला हमदो किस कंट्री के पीएम थे जिन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया है आपके ऑप्शंस हैं सूडान साउथ सूडान जॉर्जिया एंड लीबिया इसका राइट right आंसर होगा सूडान सूडान और साउथ सूडान में कंफ्यूज नहीं होना राइट right आंसर इसका होगा सूडान नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज हेडिड बाय होम आपके ऑप्शंस हैं अजय सिन्हा तरुण कपूर अशोक मित्तल टी रामाचंद्रन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरुण कपूर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कंप्लीट अ सोलो एक्सपीडिशन टू साउथ पोल ऑप्शंस हैं अदिति चतुर्वेदी रंजना गोस्वामी विशाली झा हरप्रीत चांदी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वाड्रांटेड मिट्योर शार फर्स्ट स्टेटमेंट है इट ओकर एवरी ईयर इन जनवरी सेकंड स्टेटमेंट द रेडिएंट ऑफ शावर लाइज इन बूट्स कंसिलेशन फाइंड इन कोरेक्ट कोड अच्छा जब भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि आंसर में इनकोरेक्ट पूछा है या कोरेक्ट पूछा है कुछ स्टूडेंट यही गलती करते हैं स्टेटमेंट में ध्यान से नहीं पढ़ते कि कोरेक्ट पूछा है या इनकोरेक्ट पूछा है सो इसमें आपको बताना है इनकोरेक्ट क्या है अबाउट क्वाड्रांटेड मिट्योर शार वन ओनली टू ओनली बोथ एंड नन सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों ही स्टेटमेंट कोरेक्ट है क्वाड्रांड शार हर साल जनवरी में होता है और इसका जो रेडिएंट है वो कहाँ पे लाई करता है बूट्स कॉन्स्टिलेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुकरेस्ट नाइन ग्रुप कौन सी कंट्री बुकारेस्ट नाइन ग्रुप का पार्ट नहीं है आपके ऑप्शन है स्लोवाकिया ऑप्शन नंबर बी एस्तोनिया स्लोवेनिया लेथविया इसका राइट आंसर होगा स्लोवेनिया स्लोवेनिया बुकारेस्ट नाइन ग्रुप का पार्ट नहीं है ये कब बना था इसमें बाकी मेंबर्स कौन है वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खुंट सिस्टम स्टेटमेंट नंबर वन द सिस्टम प्रिवेल्स इन छत्तीसगढ़ स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इट इज अ सिस्टम ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ लैंड बाई ट्राइबल्स फाइंड कोरेक्ट कोड वन ओनली टू ओनली बोथ एंड नन इसका करेक्ट आंसर होगा टू ओनली ऑप्शन नंबर बी क्योंकि जो खूंट काटे सिस्टम है ये छत्तीसगढ़ में नहीं ये झारखंड में चलता है और इस सिस्टम में जो ट्राइबल्स हैं जो आदिवासी लोग हैं वो एक जॉइंट ओनरशिप रखते हैं लैंड की और रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि एक पर्सन को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वो इलीगल फॉरेस्ट को काट रहा था पेड़ों को काट रहा था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वर्ल्ड ब्रेल डे फॉल्स ऑन विच डेट फोर्थ ऑफ जनवरी टू फेबर ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी एंड टेंथ मार्च राइट आंसर होगा आपका फोर्थ जनवरी ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन त्रिंकोमाले पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज लाइज इन विच कंट्री काफी न्यूज में रहती है ये पोर्ट त्रिंको माले होगी इसके साथ ही एक पोर्ट हो रहा है हम्बन टोटा आपके ऑप्शन है इंडिया भूटान बांग्लादेश एंड श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका दोनों ही पोर्ट श्रीलंका में लाई करती है हम्बन टोटा भी एंड त्रिंको माले पोर्ट भी हम बन टोटा को ऑपरेट कर रहे हैं चाइना त्रिंको माले को ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया इंडिया एंड श्रीलंका मिलके काम कर रहे हैं त्रिंको माले पोर्ट पे क्वेश्चन नंबर विच ऑफ बैंक्स आर आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय आर बी आई एस बी आई पी एन बी आई सी आई सी आई एंड एच डी एफ सी इनमें से कौन से बैंक डी एस आई बी घोषित किए हैं आर बी आई ने आपके ऑप्शन है वन टू थ्री टू एंड फोर ओनली वन थ्री फोर वन एंड थ्री ओनली सो इसका राइट right आंसर बनेगा एस बी आई आई सी आई सी आई एंड एच डी एफ सी वन थ्री एंड फोर ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर डी एस आई वी बैंक वो होते हैं जो टू बिग टू फेल वाली पॉलिसी रखते हैं ये फेल नहीं हो सकते क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्लान बी विच रिसेंटली अवार्डेड बेस्ट इनोवेशन अवार्ड इज रिलेटेड टू वट ऑप्शन है आपके फॉर फाइनेंसिंग फार्मर्स इन बी हनी बिजनेस टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम ट्रेन ट्रैक्स टू कंजर्व सम रेयर स्पीशीज ऑफ बीज एंड नन ऑफ दीज प्लान बी को रिसेंटली बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया था और ये किससे रिलेटेड है टू कीप एलिफेंट अवे फ्रॉम दी ट्रेन ट्रैक्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन A new corona variant IHU was first identified in which country? So ye aap ये आप देख ho रहे हो कि alag के अलग अलग ke निकल के आ रहे हैं Alpha आया, delta aaya uske baad उसके बाद अभी dekh हम देख रहे हैं ek variant nikal नवा एक tha निकल के आया था तो आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम ये कौन से कंट्री में आइडेंटिफाई किया गया था आपके ऑप्शन है। हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रांस युगान्डा चाइना एंड साउथ कोरिया इसका राइट आंसर होगा फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन वन दादरा एंड नगर हवेली लिबरेटेड फ्रॉम पुर्तगीज़ कंट्रोल दादरा एंड नगर हवेली पुर्तगेज कंट्रोल से कब लिबरेट हुई थी ऑप्शनस हैं सेकेंड अगस्त नाइनटीन सिक्सटी वन ऑप्शन नंबर बी टेन मई नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऑप्शन नंबर सी सेकेंड अगस्त नाइनटीन फिफ्टी फोर ऑप्शन नंबर डी फोर्थ मार्च नाइनटीन सेवनटी सिक्स अब अगर इसमें आपको डेट भी याद नहीं है सिर्फ ईयर याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो सो so, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सेकेंड ऑफ अगस्त 1954 को लिबरेट किया गया था पुर्तगीज़ कंट्रोल से नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट बैच ऑफ एट चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नेमीबिया आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एट चीताज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक स्पेशल नेशनल पार्क जो आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क है वो साउथ अफ्रीका और नवेबिया से बुलाए गए हैं क्योंकि इंडिया में चीताज की पॉपुलेशन नाम मात्र है नामात्री बिल्कुल ही नेगलिजिबल है सो ऑप्शन आपके क्या हैं कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस होंगे ये फर्स्ट ऑप्शन इज पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सेकेंड कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश मानस नेशनल पार्क असम इराविकुलम नेशनल पार्क केरला इसका राइट आंसर होगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश आपको यह भी याद रखना है इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एट चीता को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में वो कौन सी कंट्री से आएंगे वो होगा साउथ अफ्रीका एंड नवीबिया सो किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये जो भी नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में थे इस करके मैंने इसे क्वेश्चन बनाए हैं कोर्बे टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लाइक करता है आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सिक्किम नागालैंड उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड यूनिकॉन विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज वर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिकॉन से रिलेटेड काफी न्यूज में रहता है ये सो so, यूनिकॉर्न किस चीज़ से रिलेटेड है आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर वन अ कंपनी विद वैल्यूएशन ओवर वन बिलियन डॉलर ऑप्शन नंबर बी एक्सटिंक्ट स्पीशी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी अ न्यू वेराइटी ऑफ कॉर्न प्लांट ऑप्शन नंबर डी अ न्यू वेरियंट ऑफ सारियोविटू इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं उन कंपनीज को बोलते हैं जिनकी वैल्यूएशन एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और इंडिया में ऐसी कई कंपनीज है रिसेंटली जब ये ईयर की शुरुआत हुई थी 2022 की उस टाइम पे मामा अर्थ सभी ने नाम सुना होगा मामा अर्थ का मामा अर्थ एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आर एक्ट नाइनटीन आपके ऑप्शन है इंडस इंड बैंक ऑप्शन नंबर बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर सी एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर डी बंधन बैंक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैंक अभी रिसेंटली आरबीआई ने सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एयरटेल पेमेंट बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हु कमेटी फोर्न बाय पंजाब गवर्नमेंट ऑन रिसेंट पीएम सिक्योरिटी लैब्स इंसिडेंट जो पीएम सिक्योरिटी लैब्स का इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था उसे रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटी की फॉर्मेशन की थी उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे उनका नाम आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है आपका रंजना प्रकाश देसाई मेहताब सिंह गिल जोरावर सिंह अरुण मित्तल इसका राइट right आंसर होगा मेहताब सिंह गिल ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इंडियन गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग पेट्रोल विद ट्वेंटी परसेंट बाई विच ईयर सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि जो पेट्रोल है उसमें ट्वेंटी परसेंट इथेनोल को मिक्स करना है इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग वो टारगेट जो ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडिंग का है वो किस ईयर तक अचीव करना है वो आपको बताना है आपके ऑप्शन है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी थर्टी फाइव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट आपको बताना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस किस स्टेट में होगी आपके ऑप्शन है जयपुर बेंगलोर ये सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं न्यू डेली एंड हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में ये होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आई एन डी सी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली स्टैंड फॉर आई एन डी सी की फुल फॉर्म बतानी है आपको काफ़ी न्यूज में रहती है ए टर्म भी ऑप्शन नंबर ए है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल नोर्डिक डेवलपमेंट काउंसिल ऑप्शन नंबर सी इंडियन नेशनल डोलोमाइट कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये जो कॉप ट्वेंटी वन हुई थी पेरिस में दो हजार पंद्रह में उससे रिलेटेड टर्म्स है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रॉक म्यूजियम ऑफ इंडिया वाज इनाइगुरेटेड इन विथ सिटी सो ऑप्शन आपके हैं अमरावती मुंबई गुवाहाटी एंड हैदराबाद इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम किस सिटी में इनाइगुरेट किया गया है इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लेटेस्ट यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई एस ए आई एस ए का आपको बताना है कि आई एस ए का रिसेंट मेंबर कौन सी कंट्री बनी है आपके ऑप्शन से, सोलोमन आइलैंड, एंटीगुआ एंड बारबुडा फिजी एंड क्यूबा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीको एंड बारबोडा आई का एक सौ दोवा मेंबर बना है आईएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए दो हजार पंद्रह में बना था जब कोप ट्वेंटी वन चल रही थी इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसकी शुरुआत की थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है गुरुग्राम हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन मोहम्मद हुसैन रोबल हु गोट सस्पेंडेड अवर एलिगेशन ऑफ करप्शन वॉज पी एम ऑफ विच कंट्री मोहम्मद हुसैन रोबल को अभी पी एम के पद से हटा दिया गया है करप्शन के एलिगेशन पे आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री के पी एम थे ऑप्शन है आपके इराइट्रिया नाइजीरिया इजिप्ट एंड सोमालिया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोमालिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ आर अप टू हाउ मेनी रुपीज कैन नाउ भी ट्रांजेक्टेड ऑफलाइन काफी इंपॉर्टेंट है ये आर बी आई की रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने रुपए को हम ऑफलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी नेट की के अवेलेबिलिटी के ऑप्शन है आपके फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड या फाइव हंड्रेड इसका राइट आंसर होगा रुपीज टू हंड्रेड ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हु इज रिसेंटली अवार्डेड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी रिसेंटली किसको दिया गया है ऑप्शन आपके दानिश सिद्दीकी प्रफुल्ल जोशी रविश कुमार संदीप चौधरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दानिश सिद्दीकी इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को वहाँ पे ये काम कर रहे थे और उसी चीज़ में इनकी डेथ हो गई थी उसी इंसिडेंट में क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री शी इज फेमसली कॉल्ड मदर ऑफ़ औरफन्स आल्सो रिसेंटली अवार्डेड विद पद्म श्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन सोशल वर्क कैटेगरी हु हुई शी आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है कि इनको मदर ऑफ़ ऑरफन्स कहा जाता है इनको भी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था सोशल वर्क कैटेगरी में यहाँ पर किसको दर्शाया गया है अरुणति रोई सिंधुताई सपकाल मीरा कुमार तपस्या भार्गव इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधुताई सबकाल इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है और इनकी रिसेंटली डेथ हुई थी इस करके न्यूज़ में थी सिंधुताई सबकाल इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वू इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यू एन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू यू एन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है वो आपको बताना है आपके ऑप्शन से टी एस तिरुमूर्ति स्नेहा दुबे एस बालाकृष्णन जी रेड्डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी एस तिरुमूर्ति ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन और इन्हीं को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चाइनाज चांग ई लैंडर इज एक्सप्लोरिंग विद सेलेस्ट्रियल बॉडी चाइना के जो चांग ई लैंडर है वो किस सेलेस्ट्रियल बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शन है मार्स टाइटन मून एंड यूरोपा इसका राइट आंसर होगा सी मून अभी रिसेंटली इस लैंडर ने मून पे वॉटर के फर्स्ट एविडेंस को भेजा है और इस करके न्यूज़ में था सो चांग ई लैंडर सबसे पहले किस कंट्री से बिलोंग करते हैं चाइना से किस एलेस्ट्रियल बॉडी को ये एक्सप्लोर कर रहा है मून को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आई एम एफ आई एम एफ के नवे चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनी हैं उनको आपको उनका नाम आपको बताना है ऑप्शन से आपके फर्स्ट पियर ओलिवर गोरिंचस क्रिस्टन लिगार्डे टेड्रो सादानोम गीता गोपीनाथ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अभी ये रिसेंटली आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं इसे पहले जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे इंडिया की तरफ से वो से थी वो थी गीता गोपीनाथ ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड किस एक्टर को दिया गया है आपके ऑप्शन है जोनी डेप विल स्मिथ लियोनार्डो डी कैपरियो डेमोन इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल स्मिथ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेड सेंडर्स एंड फाइंड कोेक्ट आंसर फर्स्ट एटेमेंट इज इट इज एंडमिक ट्री स्पीशीज मेनली फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज एज पर आयु सी एन रेड लिस्ट आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट कोरेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ या फिर नन इसका राइट आंसर होगा सी बोथ दोनों ही स्टेटमेंट कोरेक्ट है ये ज्यादातर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है ईस्टर्न घाट्स में और इसका आयु सी एन स्टेटस है एंडेंजर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच कंट्री रिसेंटली बैंड दी कन्वर्जन थेरेपी ऑप्शन है आपके फ्रांस इंडिया रशिया कैनेडा कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पीडीएफ में जो एल सेक्शन है वो माना जाता है कुछ लोग मानते हैं कि दे आर नॉट करेक्ट उनको कन्वर्ट किया जा सकता है बायोलॉजिकली उनकी सोच को बदला जा सकता है सो so, उसको हम कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं ये किस कंट्री ने रिसेंटली बैन किया है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैनेडा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गेट वे टू हेल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ लाइज इन विच कंट्री ऑप्शन है स्वीडन तुर्कमेनिस्तान जापान साउथ कोरिया किस कंट्री में गेट वे ऑफ हेल लाइक करता है एक वोल्केनिक क्रेटर है यहाँ पे आग जलती रहती है इस करके न्यूज़ में भी रहते हैं सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान इज़ द राइट आंसर गेट वे टू हेल तुर्कमेनिस्तान में लाइक करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल आई सी ये काफी न्यूज में रहते हैं इट इज अ स्टेटरी बॉडी फॉर्म इन क्वार्टर लाइज इन न्यू डेली फाइंड इन कुरेक्ट कोड आपको इन कोरेक्ट कोड बताना है कौन सा है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन इसका राइट right आंसर होगा टू ओनली स्टेटूटरी बॉडी है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी थी स्टेचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट एक्ट

ये क्वेश्चन पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आया था रिसेंटली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोअर मिडल इनकम कंट्री इंडिया जो है इस ग्रुप में फॉल करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू ए जी आर ओफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ए जी आर काफी न्यूज में रहता है किस सेक्टर से रिलेटेड है आपके ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी टेलीकॉम या टेक्सटाइल इसका राइट आंसर होगा टेलीकॉम ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु पब्लिश ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक आई एम एफ यू एन ई पी या डब्ल्यू एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोम रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर तो ये आपको याद रखना है रिपोर्ट हो गया इंडेक्स हो गया उसमें इंडिया का क्या रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है आपके ऑप्शन हैं फोर्टी एट सेवेंटी फर्स्ट एटी या वन जीरो वन इसका राइट आंसर होगा एटी और इसमें टॉप किया है सिंगापुर एंड जापान ने क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पब्लिशेस दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एडीबी एंड डब्ल्यूएफ कौन पब्लिश करता है इसको आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए

क्योंकि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ना आके एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आती है क्वेश्चन नंबर 49 वन बिहार नेशनल पार्क वेयर ओल्डेस्ट स्लोथ वेयर ऑफ इंडिया गुलाबो डाइज लाइज इन व्हिच स्टेट वन बिहार नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है ऑप्शंस आपके गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर 50 Aval Kai initiative under which menstrual cup is distributed to women 18 and above is an initiative of which state? Aval Kai initiative, which

सोल्ड होते हैं जो स्वीट अनियन होते हैं सो so, ये न्यूज़ में था इस करके ज़रूरी था ये मैंने क्वेश्चन में डाल दिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट ऑप्शन हैं आपके फिफ्थ ऑफ जनवरी ट्वेल्थ जनवरी फोर्टीन जनवरी या फिर फिफ्टीन जनवरी इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिफ्टीन जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं कमेंट में आपको बताना है कि फिफ्टीन जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे ये आपको कमेंट्स में बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मिस्टर बिपिन रावत हु पासड अवे रिसेंटली इन कन्ूर हेलीकॉप्टर क्रैश वाज ऑन विच पोस्ट मिस्टर बिपिन रावत दी रिसेंटली अभी डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में कन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में तो आपको बताना है वो किस पोस्ट पे थे आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर्नल या फिर डिफेंस सेक्रेटरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वो सी थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट अपने सी थे मिस्टर बिपिन रावत क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर स्टेट स्पेसिफिक है माघी मेला फेमस मेला ऑफ पंजाब हेल्ड एनुअली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब माघी मेला पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है आपके ऑप्शन है बरनाला फिरोजपुर मुख्तर या मानसा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्तसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट टेक्स इंटू अकाउंट द चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड ओनली सेकेंड इज इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थर्ड स्टेटमेंट इज इट्स बेस ईयर इज टू जीरो सॉरी टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फाइव कुरेक्ट कोड आपको बताना है वन ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन टू एंड थ्री ओनली इसका राइट आंसर होगा वन एंड टू ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर कोरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसका बेस ईयर चेंज हो गया था दो हजार ग्यारह बारह क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स प्रोजेक्ट इज सिटुएटेड एट विच रिवर आपके ऑप्शन है कावेरी गोदावरी कृष्णा नर्मदा ये भी काफी न्यूज में रहता है थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है इस इसपे ये किस रिवर पे सिटुएटेड है आपका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए कावेरी रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कर्नाटका केरला तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट मकर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट किस स्टेट में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश मणिपुर केरला या तेलंगाना राइट आंसर इज केरला ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन थिरुआ भ्रनम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑप्शन इज ए ज्वेलरी चैरियट यूटेंसिल या डाइटिसम राइट आंसर होगा ए ज्वेलरी थिरुआ एक ज्वेलरी का नाम है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी। फाइंड इनकोरेक्ट मैच आपको बताना है एक साइड प्रोजेक्ट है इस साइड किस रिवर पे वो सिचुएटेड है फर्स्ट इज श्री सैलम डैम कृष्णा पोलावरम प्रोजेक्ट तुगभद्रा नागार्जुन सागर डैम कृष्णा आपको बताना है कि कौन सा इनकोरेक्ट मैच है ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली वन एंड थ्री ओनली थ्री ओनली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू ओनली इनकोरेक्ट बताना था श्री सैलम और नागार्जुन सागर डैम दोनों ही कृष्णा रिवर पे हैं पोलावरम प्रोजेक्ट ये गोदावरी रिवर पे है आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन नंबर हु द कमेटी मेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंक्वायर इन टू पी एम सिक्योरिटी लाइव इंसिडेंट ये क्वेश्चन पहले भी किया था उसमें ये था कि पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बनाई है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लाइफ इंसिडेंट पे आपके ऑप्शन है मेहताब सिंह गिल रंजना देसाई इंदु मल्होत्रा एन वी रमना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाई गई थी क्वेश्चन नंबर सेकंड हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ इसरो इसरो के नए चेयरपर्सन का नाम आपको बताना है के सीवान एस सोमनाथ किशोर सॉरी uh, किशन कुमार एंड जी रेड्डी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इन स्पेस वॉज क्रिएटेड विद द दर्पज ऑफ ऑप्शन नंबर ए क्लियरिंग डेबरिस फ्रॉम स्पेस सेंडिंग ह्यूमन्स टू मार्स बाई ट्वेंटी थर्टी इनक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन स्पेस बनाया गया था ताकि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके प्राइवेट प्लेयर्स आए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर जीरो ट्रांसप्लांटेशन रेफर्स टू

ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसको किसने मैन्युफैक्चर किया है आपके ऑप्शन है भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सन फाफा नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया है ये एस्ट्राजेनिका ने बनाई है जो कोवैक्सीन है वो इंडिया की खुद की वैक्सीन है ये भारत बायोटेक ने बनाई थी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉर्मोसा बॉन्ड दे आर इशूड इन ताइवान दे आर डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन ताइवान डॉलर फाइंड कुरेक्ट कोड वन ओनली टू ओनली बोथ या नान इसका राइट right आंसर होगा बोथ दोनों ही स्टेटमेंट कोरेक्ट है फॉर्मोसा पुराना नाम था ताइवान का इस करके फॉर्मोसा बॉन्ड ताइवान से याद रखना है और ये डिनोमिनेटेड uh, होते हैं ताइवान डॉलर को छोड़ के हर एक करेंसी में So, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर जाएंगे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट कौन सी स्टेट मिलाई करता है टाइगर रिजर्व तमिलनाडु केरला कर्नाटका या आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाबार्ड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज स्टेटरी बॉडी स्टेब्लिश इन जुलाई नाइनटीन एटी टू ओन रिकमेंडेशन ऑफ श्री बी कमेटी सेकेंड स्टेटमेंट इट डायरेक्टली गिव लोन्स टू दी पुअर फार्मर्स फाइंड करेक्ट कोड ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ ओनली बोथ एंड नन इसका राइट आंसर होगा वन ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देता फार्मर्स को वो एक रीफाइनेंस एजेंसी है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन देगा कोऑपरेटिव बैंक्स आगे फार्मर्स को लोन देते हैं सो so ये आपको याद रखना है उसके बाद कालिया स्कीम इज रन बाय विच स्टेट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन ऑप्शन है झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ या तेलंगाना राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा ये भी फार्मर से रिलेटेड ही स्कीम है कालिया स्कीम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इन विच स्टेट पेंच टाइगर रिजर्व लाइज वेयर अ टाइग्रेस नेम्ड कोलर वाली और टी फिफ्टीन डाइड सो पेंच टाइगर रिजर्व में रिसेंटली एक टाइग्रेस की डेथ हुई थी जिसका नाम कोलर वाली या टी फिफ्टीन था आपको बताना है कि पेंच टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है महाराष्ट्र कर्नाटका मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग इन एफ डी आई एफ डी आई में कौन से स्टेट लीड कर रही है ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र गुजरात केरला या कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू वन कास्ट वन रिलीजन वन गोड फॉर ऑल स्लोगन वाज गिवन बाय होम जो स्लोगन था हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा वन कास्ट वन रिलीजन वन गोड फॉर ऑल ये स्लोगन किन्होंने दिया था ऑप्शन है आपके रामस्वामी नायकर नारायण गुरु गुरु नानक देव जी एंड मीराबाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण गुरु जी ने ये स्लोगन दिया था क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन फर्स्ट स्टेटमेंट इज फाउंडेड इन नाइनटीन सेवनटीन हेडक्वार्ट एट यूनाइटेड किंगडम इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स मेंबर स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम फाइंड करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपके वन ओनली टू ओनली सी बोथ ऑप्शन नंबर डी नन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट आर कोरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स विंटर ओलंपिक्स गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री दो हज़ार छब्बीस के विंटर ओलंपिक्स कौन सी कंट्री में होंगे आपके ऑप्शन हैं इटली फ्रांस चाइना या कतर इसका राइट right आंसर है इटली दो हजार बाईस के कहाँ हुए हैं चाइना में वो भी आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव एम के प्रसाद हु पास डॉ रिसेंटली बिलोंग टू विच फील्ड एम के प्रसाद कौन सी से फील्ड से बिलोंग करते थे इकोनॉमिस्ट थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जर्नलिस्ट थे या फिर एनवायरमेंटलिस्ट थे इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनवायरमेंटलिस्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स फार्मूला ई वर्ल्ड इज गोइंग टू बी हेल्ड इन फार्मूला ई वर्ल्ड कौन सी सिटी में होने होने जा रहा है ऑप्शन इज चेन्नई बेंगलोर दिल्ली एंड हैदराबाद जैसे आप फार्मूला वन देखते हो जो स्पोर्ट्स कार होती है उनकी रेसिंग होती है फार्मूला ई में जो ई व्हीकल्स हैं उनकी रेसिंग होगी सो तो ये जो फार्मूला ई वर्ल्ड है वो हैदराबाद में होने जा रहा है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पंडित बिरजू महाराज अ कथक लेजेंड हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना पंडित बिरजू महाराज किस घराने से बिलोंग करते थे आपके ऑप्शन है कानपुर बीकानेर लखनऊ या ग्वालियर इसका राइट right आंसर होगा लखनऊ ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट विच कंट्री सेवरली हिट बाय सुनामी रिसेंटली किस कंट्री में रिसेंटली सुनामी आई थी ऑप्शन है पेरू फिजी टोंगा या जापान और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन भी हुई है इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोंगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी चिंतामणि पद्य नाटकम विच रिसेंटली गोट बैंड इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र या केरला इसका राइट right आंसर होगा आंध्र प्रदेश इसको बैन कर दिया गया है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट काफ़ी न्यूज़ में रहता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट नॉर्थ ऑफ केरला कासरगोड टू साउथ ऑफ़ केरला तिरुवंतपुरम बाई अ विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है जो नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ता है ये किस नेटवर्क के थ्रू जोड़ता है ये आपको बताना है आपके ऑप्शन है रोड नेटवर्क रेल नेटवर्क वाटर या फिर एयरवे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेल नेटवर्क क्वेश्चन नंबर एटी वन नारायण देवनाथ रिसेंटली पास्ड अवे वाज़ रिलेटेड टू विच फील्ड कार्टूनिस्ट जज लीडर या फिर पेंटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्टूनिस्ट थे नारायण देवनाथ क्वेश्चन नंबर एटी टू वट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल क्या होगी अभी जकार्ता है जो कि जावा आइलैंड पे बिलोंग जा, जावा आइलैंड पे सिचुएटेड है पर वो आइलैंड जो जावा आइलैंड है वो सबमर्ज कर रहा है अंडर ओशियन इस करके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है कि इंडोनेशिया के कैपिटल को चेंज किया जाएगा आपको बताना है कि न्यू कैपिटल का नाम क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज नुसंतारा जकार्ता बाली या फिर नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है नुसंतारा एक कलीमटन प्रोविंस में लाई करती है कलीमंटन प्रोविंस क्वेश्चन नंबर एटी थ्री ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच बॉडी आपके ऑप्शन है आई पी सी 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 डी ए सी डब्ल्यू एफ या फिर ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट को क्वेश्चन नंबर एटी फोर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज बींग डेब्ड विद रशियन एड ज लोकेटेड इन विच स्टेट कुंटनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया की हेल्प से बन रहा है वो कौन से स्टेट में लाई करता है आपको बताना है आपके ऑप्शन है कर्नाटका गुजरात महाराष्ट्र है तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में एक कुंडनकुलम है एक कलपक्कम है ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में वो कौन सा न्यूक्लियर पावर प्ला, पावर प्लांट कौन से स्टेट में है ये या आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटी फाइव

राइट आंसर होगा इसका फिश क्वेश्चन नंबर एटी सेवन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइव जी सर्विसेज एंड फाइंड कुरेक्ट आंसर फाइव जी सर्विसेज काफी न्यूज़ में रहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वर्क्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ट्वेंटी एट टू हंड्रेड गीगा हार्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स लेटेंसी इज अबाउट वन मिली सेकेंड लेटेंसी होती है कि उसको कितना टाइम लग रहा है एक सिग्नल को भेजने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो उसकी जो लेटेंसी होती है सो so, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ या फिर नन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ स्टेटमेंट आर कुरेक्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट अगेन काफी न्यूज में रहते हैं पैगास ओपन इन न्यूज इज अंटी वायरस सॉफ्टवेयर स्पाईवियर रैनसम वेयर या फिर डाटा डिपोजिटरी पैगास क्या है इसमें से राइट आंसर होगा पैगासस एक स्पाइवियर है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू विल बी होस्टेड बाय ऑप्शन है आपके कतर रशिया फ्रांस या ब्राज़ील इसका राइट right आंसर होगा कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में होने जा रहा है ये आपको याद रखना है और 2018 वाला कहाँ पे हुआ था रशिया में उसके विनर कौन थे वो सब आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देर वर फाइव सेंट्रल एशियन कंट्रीज हेड ऑफ नेशन वर इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे फाइड ओन वन ओड वन आउट इनमें से कौन सी कंट्री के हैड इनवाइटेड नहीं थे रिपब्लिक डे परेड में आपको बताना है ऑप्शन है उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान या अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट नंबर सेकेंड इन एनफोर्सिस टू एक्ट्स फेमा एंड पी एम एल ए फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट

रशिया स्वीडन इजराइल या यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर होगा स्वीडन ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री हवाना सिंड्रोम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच कंट्री ऑप्शन है जमाइका साउथ अफ्रीका क्यूबा एंड अर्जेंटाइना हवाना सिंड्रोम बारे पी में सब कुछ अवेलेबल है आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो हवाना सिंड्रोम क्या है सो so, ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था क्यूबा में हवाना क्यूबा की कैपिटल है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर यूर मुस्लिम एथनिक पीपल आर मोस्टली इन कंट्री कहाँ पे लाइक करते हैं ये इंडिया पाकिस्तान म्यांमार या चाइना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाइना में क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव अमर जवान ज्योति वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ मेमोरियल फॉर सोल्जर्स हुआ आपके ऑप्शन है इंडो चाइना वॉर नाइनटीन सिक्सटी टू

केन right या राइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन। क्वेश्चन नंबर नाइंटी सिक्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी एंड फाइंड कुरेक्ट कोड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज डेडिकेटेड टू इलेवन सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर एंड संत रामानुजाचार्य सेकेंड इज द स्टेच्यू इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपके ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन इसका आंसर होगा

इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी थर्ड जनवरी को है, सेलिब्रेट किया जाता है क्यों किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर एनवायरमेंटल एमरजेंसी फॉलोइंग ऑयल स्पिल्स ऑयल स्पिल्स करके किस कंट्री ने एनवायरमेंट एमरजेंसी लगाई थी आपके ऑप्शन है पेरू टोंगा कनाडा या श्रीलंका आंसर होगा पेरू पेरू में जो यहाँ पे ऑयल स्पिल का इंसिडेंट हो गया था इस करके वहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी सो so, आज की वीडियो में इतना ही है टोटल हंड्रेड क्वेश्चन थे आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा है जिनका ए से अबव स्कोर रहा है तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जिनका कम स्कोर है आप पी डी एफ जाके देख सकते हो पी डी एफ आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है ग्रुप का नाम है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संघर्ष एकेडमी पी डी एफ्स एंड जॉब अपडेट्स यहाँ पर आपको सारे पी डी एफ मिल जाएंगे ये पी डी एफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा सो so, वहाँ पर जाके आप सारे पी डी एफ पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो फ्री में और कोई भी जॉब अपडेट्स आती हैं वो आपको साथ के साथ मिलती रहेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हो और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है संघर्ष अकेडमी का अभी कोर्स चल रहा है जिसमें हर एक सब्जेक्ट आपको इन डेप्थ स्टडी हर एक सब्जेक्ट की करवाई जाती है उसमें जी आपका कवर होगा मैथ्स रीजनिंग कवर होंगे कंप्यूटर इंग्लिश पंजाबी सब कुछ आपका कवर होगा सो so ये पंजाब जॉब्स के लिए भी हैं जो हरियाणा की जॉब्स के लिए भी हैं ये ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी कोई भी इस कोर्स को ले सकता है कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में तो आप इस वेबसाइट पे जाके कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं कोई भी डिटेल आपको चाहिए इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग